मंडी जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग के सहयोग से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल की। डीसी ऑफिस में हुई इस मॉक ड्रिल में लोगों को आग लगने पर राहत व बचाव के तरीके बताए गए। इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ये मॉक ड्रिल अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए कराई गई। मंडी जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग के सहयोग से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल की। डीसी ऑफिस में हुई इस मॉक ड्रिल में लोगों को आग लगने पर राहत व बचाव के तरीके बताए गए। इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ये मॉक ड्रिल अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए कराई गई है। समर्थ 2019 अभियान के तहत आयोजित इस मॉक ड्रिल के जरिए व्यवहारिक रूप से आग लगने पर खुद को बचाते हुए आग काबू पाने के तरीके क्या क्या है, इसको लेकर जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल से अग्नि से सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूक आएगी। उपायुक्त ने कहा कि भवन में आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग ना करें, खुद को सुरक्षित करते हुए सीढ़ियों से भवन से बाहर आएं, शौचालय में ना छुपे और ना ही छत की तरफ भागें। यदि कमरे में धुआं भर गया हो तो नाक पर रुमाल रखकर जमीन पर लेट जाएं, हो सके तो रुमाल को गीला करके मुंह पर रखें। रेंग कर चलें क्योंकि धुआं ऊपर की ओर उठता है, इसलिए फर्श की सतह में धुआं भरने में अधिक समय लगता है। ऋग्वेद ठाकुर ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से आग्रह किया कि सर्दियों के दौरान कार्यालयों में हीटर का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतें। ऑफिस से जाते हुए तय करें कि हीटर बंद हो। इस मौके पर फायर अधिकारी केएस ठाकुर ने आग लगने पर राहत व बचाव के तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने मॉक ड्रिल में डीसी ऑफिस में लगे अग्निशमन यंत्रों को चलाने और आग बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से बताया। उपायुक्त ने कहा कि यह अभ्यास एक काल्पनिक घटना को आधार बनाकर कर किया गया है। इस घटना के अनुरूप डीसी ऑफिस भवन में प्रातः लगभग 11 बजे आग लग गई, जिसे लेकर डीसी ऑफिस से आपातकालीन हुटर बजाया गया। इसके सुनते ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह हरकत में आ गया। हुटर बजते ही कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य लोग खुद को सुरक्षित करते हुए मुंह पर रुमाल रखकर भवन से बाहर कर निकल आए। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही कार्यकारी एसडीएम संजय कुमार ने बाहर एकत्रित लोगों को घटना के बारे में बताया गया। फायर अधिकारी के एस ठाकुर की अगुवाई में आई फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते हुए पूरी बिल्डिंग खंगाली और इसमें फंसे 13 लोगों को बचाया। इस मौके पर आईएएस प्रोफेशनल अजय यादव, कार्यकारी एसडीएम एवं सहायक आयुक्त संजय कुमार, जिला राजस्व अधिकारी राजीव संख्यान सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व ऑफिस आए अन्य लोग मौजूद रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थ कार्यक्रम है, जिसमें डिजास्टर की तैयारी के बारे में हम अपनी प्रशिक्षण करते हैं, लोगों को मॉक ड्रिल्स कराते हैं। उसी कड़ी में आज 11 अक्टूबर को सभी जगह पर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ पर डीसी ऑफिस में भी फायर से संबंधित मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एक ऊपर के मंजिल पे आग लगने के एक सिचुएशन क्रिएट की गई। कुछ लोग जो है वहाँ पर अटक गए थे, कुछ इंजर्ड भी थे और फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया। फायर डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया गया और फायर को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में भी सभी अधिकारियों को, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, उन सबको प्रशिक्षण दिया। मैं समझता हूँ ये इस तरह के ड्रिल्स जितने हम फ्रीक्वेंटली कर पाए उतनी हमारी तैयारी रहती है और जब एक्चुअल कभी आपदा आए तो हम सभी लोग, क्योंकि लोगों की सहभागिता से ही आपदा पे नियंत्रण पाया जा सकता है, तो सब लोग तैयार होंगे, सब लोग प्रशिक्षित होंगे तो वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो यही इंटेंशन था इस समर्थ अभियान का और आज ये बड़ा सफलतापूर्वक यहाँ पर ड्रिल कंडक्ट किया गया है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस फायर डिपार्टमेंट है, एक आपस ही जो है समय में कभी एक टेस्ट हुआ है और जो कमियाँ आई हैं उसको हम डीब्रीफिंग में नोट कर इसमें आगे आने वाले दिनों में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।